हेलो स्टूडेंट्स, कोरोना वायरस के चलते देश भर में लॉकडाउन था और सारे शिक्षण संस्थान भी बंद थे। ऐसे में छात्र अपनी पढ़ाई जारी रख सके, इसके लिए हमारी सरकार द्वारा विभिन्न ई लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टार्ट किए गए थे और इन्हीं ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में से एक प्लेटफॉर्म है स्वयं पोर्टल। मैं डॉक्टर संगीता गुप्ता आज आपको स्वयं पोर्टल के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। स्वयं पोर्टल क्या है, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। स्वयं का फुल फॉर्म क्या है? स्वयं एक हिंदी का संक्षिप्त नाम है जिसका अर्थ है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। जब आप गूगल पर जाओगे और इसको सर्च करोगे तो कुछ इस तरह से इमेज दिखाई देगी, इसका लोगो इस तरह से दिखाई देगा स्वयं पोर्टल का, और इसका जो मोटिव है भारत सरकार का, इसके नीचे लिखा हुआ है शिक्षित भारत उन्नत भारत। हमारे भारत को शिक्षित बनाना है और उन्नति की ओर ले जाना है। स्वयं पोर्टल को 9 जुलाई 2017 रविवार को गुरु पूर्णिमा के दिन भारत के माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा लॉन्च किया गया था और स्वयं को MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या हिंदी में कहे तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय और AICTE ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन या हिंदी में कहे तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा माइक्रोसॉफ्ट की मदद से विकसित किया गया है और 2000 पाठ्यक्रमों की सुविधा के लिए से तैयार किया गया है। स्वयं पोर्टल की क्या विशेषताएं हैं ये देख लेते हैं। इसमें कई तरह के कोर्सेस उपलब्ध हैं जैसे लॉ, कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट, मैथ्स, बायोलॉजी, अकाउंटिंग इत्यादि। स्वयं पोर्टल का एंड्रॉइड ऐप भी उपलब्ध है जिसे आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं या फिर स्वयं की ऑफिशियली पोर्टल पर जाकर इसे चेक कर सकते हैं। इसमें उपलब्ध कोर्सेस और लेक्चर फ्री होते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि स्टूडेंट्स को ऑनलाइन फ्री कोर्सेस पढ़ने को मिल जाएंगे। स्वयं पोर्टल www.swayam.government.in शिक्षा प्रणाली ऑनलाइन पाठ्यक्रम और 32 स्वयंवर DTH चैनल प्रदान करता है। इसमें कई राष्ट्रीय सहायक विद्यालय हैं जैसे UGC, IGNOU, NCERT और कई संस्थान जुड़े हुए हैं और भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये सब संचालित होते हैं। स्वयं विभिन्न विषयों पर उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करता है, साथ ही इसमें 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए और स्नातक और स्नातकोत्तर UG और PG के पाठ्यक्रम भी शामिल हैं। स्वयं पर होस्ट किए गए पाठ्यक्रम 4 क्वाड्रेंट में है, वीडियो लेक्चर, विशेष रूप से तैयार की गई पठन सामग्री जिसे डाउनलोड कर सकते हो आप, प्रिंट भी किया जा सकता है इसका, टेस्ट और क्यूज के माध्यम से आप स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हो, क्लियरिंग के लिए एक ऑनलाइन चर्चा मंच भी है इसमें, ऑडियो वीडियो और मल्टीमीडिया और अत्याधुनिक शिक्षा शास्त्र का उपयोग करके सीखने के अनुभव में वृद्धि करने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। इन प्लेटफॉर्म से सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली सामग्री का उत्पादन और वितरण किया जा रहा है, इसे चेक करने के लिए 9 राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त किए गए हैं जो कुछ इस प्रकार है। 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैव बीन अपॉइंटेड जो इस प्रकार है। फर्स्ट है AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये इंटरनेशनल कोर्सेज के लिए है। NPTEL नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग फॉर इंजीनियरिंग के लिए है ये। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन के लिए है। इसी तरह से CEC और NCERT नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग स्कूल एजुकेशन के लिए है ये। इसी प्रकार एक और देख सकते हैं IGNOU IGNOU इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी फॉर आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन के लिए है। तो इस तरह से ये 9 समन्वयक, इनको आप हिंदी में भी देख सकते हो, 9 राष्ट्रीय समन्वयक, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और इसके साथ ही स्कूली शिक्षा के लिए NCERT, स्कूल से बाहर के छात्रों के लिए IGNOU, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय,
शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए NITTR राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान। नवेक है, अब स्वयं पोर्टल का उपयोग आप कैसे करोगे ये देख लेते हैं। इस पोर्टल के उपयोग हेतु सबसे पहले आपको इस पोर्टल की ऑफिशियली वेबसाइट www.swayam.gov.in पर जाना होगा। आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल पर इस पोर्टल के ऐप को डाउनलोड कर उपयोग कर सकते हैं। इस पोर्टल पर कोर्स करने के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा, जिसके लिए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म करने के बाद ही आप इस पोर्टल पर उपलब्ध सभी कोर्सेज को पढ़ सकते हैं। स्वयं ऑनलाइन कोर्स कैसे करें ये भी देख लेते हैं। तो स्वयं ऑनलाइन कक्षाओं के लिए सबसे पहले आपको नामांकन या एनरोल कैसे करना होगा यह जानना पड़ेगा। तो इसके लिए निम्न स्टेप्स से आपको गुजरना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट है स्वयं की जो ऑफिशियली साइट है swayam.gov.in को आप जाएंगे वहां पर, और उस पर दो विकल्प विंडो है, जो दो विकल्प दिखाई देंगे उसमें एक पर है आगामी पाठ्यक्रम और एक पर है चल रहे पाठ्यक्रम। उम्मीदवारों के लिए आगामी पाठ्यक्रमों के लिए नामांकन खुला हुआ है। वांछित पाठ्यक्रम पर क्लिक करें जिससे आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए एक विकल्प ज्वाइन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें। आवश्यक विवरण प्रदान करें और सीखना शुरू करें। पाठ्यक्रम की शुरुआत, अंतिम तिथि, परीक्षा तिथि, संख्या से संबंधित सभी विवरण, व्याख्यान आदि पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाएंगे। स्वयं की सभी पाठ्यक्रम 4 सप्ताह से 24 सप्ताह की अवधि के लिए होंगे। पाठ्यक्रम के लिए पंजीकरण करते समय विद्यार्थियों को परीक्षा की तिथि का चयन करना भी आवश्यक होगा। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा दी गई ये सभी जानकारी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। थैंक यू।